कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था, तो कोई क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा था, तो मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, तो मैं आज फ्री हूँ। तो इंशाल्लाह कल से फिर आपकी जो है पढ़ाई उसी तरीके से शुरू होगी जिस तरीके से पहले शुरू होती थी। इस वीडियो में मुझे कुछ बेसिक चीज़ें बतानी हैं, मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को बता दूँ तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, हमारे वेबसाइट्स के बारे में और हम कैसे काम करते हैं। इसी के अलावा जो नए लोग हैं जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मदरसा किस तरीके से काम करता है। उस तरीके से मदरसे की जो लिंक है, मदरसे की वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, madrasadarulhuda.com पे आप जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरह का पहला आपका फर्स्ट पेज खुलेगा, मोबाइल पर जो पेज है वो दूसरे तरीके से खुलेगा। मैं पीसी पे ओपन कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे ये दूसरे तरीके से खुलता है, मोबाइल पर यही पेज जो होंगे वो दूसरे अंदाज़ में खुलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन जो कंटेंट है वो जो सारी चीज़ें हैं वो सेम होती है। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ये पहला पेज है आपको madrasadarulhuda.com का। इस पर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ये पहला पेज ओपन होगा, फिर वही बात मैंने कहा कि मोबाइल पर वो दूसरे तरीके से ओपन होता है और कंप्यूटर पर दूसरे तरीके से ये ओपन होगा। इस पे कुछ लिस्ट हैं, इसमें हमारे वेबसाइट से यानी हमारे मदरसे की जो है वो सारी डिटेल जो है वो इसमें बता दी गई है कि हमारे मदरसे के थ्रू के अंदर क्या क्या चलते हैं। ऊपर जो है वो मदरसे के कुछ बेसिक डिटेल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर कोर्स के कुछ लिस्ट हैं, जैसे आलमियत की कोर्स है, हिफ्स की कोर्स हैं और दूसरे कोर्सेस हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कोर्सेस हैं, इस पर आप क्लिक करके उस कोर्स के डिटेल्स जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ऑनलाइन का, वी आर ऑनलाइन, यहाँ से आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई क्वेश्चन आपको पूछने हो तो। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक जो डिटेल्स हैं इस मदरसे के वो हैं कि जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किताबें, वीडियोस वगैरह। उसके नीचे कुछ चीज़ हैं, चूँकि ये इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है इसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ आप आलमियत कोर्स आलिम पर क्लिक करेंगे तो आलमियत की जो बेसिक डिटेल्स होंगी, यहाँ पर मेथड है कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो हमारे पास अभी दो तरीके हैं पढ़ने के, एक तो है कि लाइव क्लासेस आप अपने टीचर को टाइम बता देंगे, उसमें आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपको पढ़ा देंगे, और दूसरा मेथड ये है कि हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भेजते हैं। यहाँ पर जो है वो हर सेमेस्टर के हिसाब से कितनी कौन कौन सी किताबें हैं उसके लिस्ट हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी सिर्फ दो सेमेस्टर की किताबें बनाई हैं, पहले और सेकेंड सेमेस्टर की। बाकी के जो चार सेमेस्टर हैं, 5, 6, 3, 4, 5, 6, इसके अभी हम लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है। इंशाल्लाह ये भी बनाने के बाद मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो आप जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ज्वाइन पर आप क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक एडमिशन, जिस तरीके से मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँ तो ये क्या होगा कि यहाँ एक एडमिशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप इस एडमिशन फॉर्म को भर कर इसमें जो भी बेसिक डिटेल्स हैं इसको आप भर सकते हैं। भरने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो हम आपकी एडमिशन हमारे पास कंफर्म हो जाएगी, आ जाएगी आपकी सारी डिटेल्स। यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स हम सभी पढ़ रहे हैं, उन वो क्या सोचते हैं इस मदरसे के बारे में, वो उसके कमेंट्स हैं ये चारों, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सारे ऐड नहीं किए हैं। और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यानी आपको कुछ पूछना हो तो अपने बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आप भर करके सबमिट कर देंगे तो आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और आप जो पूछना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये आलमियत की पेज में इतनी चीज़ें थी। उसके बाद हमारा ये हिफ्स का है, हिफ्स के अंदर चूँकि ऑनलाइन हिफ्स भी चलता है तो वो भी उसी तरीके से होता है, आप कौन हर दिन डेली कॉल जाएगा टीचर फिर पढ़ेंगे। हिफ्स के अंदर हम सिर्फ तर्जमा, हम सिर्फ कुरान हिफ्स नहीं कराते हैं बल्कि कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, अरबी लैंग्वेज पढ़ाते हैं ताकि तर्जमा भी कुरान का आ सके उनको, नूरानी कायदा और तजवीद, तो ये हिफ्स के डिपेंडेंट हैं। हिस्ट्री ऑफ कुरान पढ़ाते हैं, यानी कुरान की पूरी हिस्ट्री है वो। उसके अलावा कुरान के अंदर जितने भी नबियों के किस्से आए हैं, प्रॉफिट स्टोरीज़ जो आए हैं, वो सारे के सारे उनको एक्सप्लेन करते हैं, यानी मुख्तसर तफसीर भी होती है। इसमें भी आप ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप इस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन फॉर्म आपका ओपन होगा, आप उसको फिलअप कर देंगे। हिफ्स का हो गया, आलमियत का हो गया। उसके अलावा ये कोर्स वाला जो तीसरा जो ऑप्शन है, इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आलमियत और हिफ्स के अलावा और भी जो दूसरे कोर्स चलते हैं, जैसे हमारे पास अरबी लैंग्वेज का कोर्स चलता है, तफसीर का कोर्स चलता है और दीनियात का कोर्स चलता है, तो ये तीनों कोर्सेज जो हैं अलग अलग, इनके फिर कंटेंट हैं आप देख सकते हैं, तफसीर में कौन कौन सी तफसीर किताबें पढ़ाई जाती हैं, दिनियात में क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसमें से जिस कोर्स में भी आप एडमिशन चाहे तो आप नीचे बटन जो है ज्वाइन नाउ, इस पर आप क्लिक करके उस एडमिशन फॉर्म को भर करके एडमिशन ले सकते हैं। उसका हमारा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है, ये भी ऑनलाइन चलता है इसी तरीके से। इसके अंदर ये 3 साल का कोर्स है जिसके अंदर आप जो है ऐप, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट,
मोबाइल मोबाइल के लिए, कंप्यूटर के लिए, उसके अलावा हैकिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर पढ़ाई जाती है। 3 साल के अंदर इतने सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जाते हैं, वो भी लाइव प्रोजेक्ट के साथ, यानी प्रोजेक्ट्स वगैरह ही बनाए जाते हैं। इसमें भी आप एडमिशन लेने के लिए सिंपली आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप इसमें के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इतने सारे उसका यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सारी तो उनके लिए जो एडमिशन करके पढ़ना चाहते हैं, ये जो बुक वाला जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बुक्स के ये नाम हैं। उसके नीचे आपका है डाउनलोड और रीड बुक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये किताबें आपकी डाउनलोड हो जाएंगी PDF में। लेकिन उसके नीचे एक और बटन बना हुआ है हर किताब के नीचे, आप देखेंगे अभी यहाँ पर बहुत सारी किताबें ऐड होंगी। ये तो सिर्फ अभी अंडर टेस्टिंग ही, अभी मैं बना ही रहा हूँ इसलिए सारी किताबें ऐड नहीं हुई, ऊपर की बस कुछ किताबें ऐड हुई है, बाकी नीचे एक सभी एक ही लग रहे हैं आपको। बहुत सारी किताबें मैं इसमें इंशाल्लाह ऐड करूँगा, यानी पूरे दर्शन निज़ामी मदरसे के अंदर जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं वो सारी की सारी यहाँ ऐड होंगी। तो उसमें क्या है कि रिक्वेस्ट नोट और वीडियो, यहाँ पर आप इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिक्वेस्ट फॉर्म खुलेगा, ये एडमिशन फॉर्म के नीचे है, यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर्म है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई कोर्स कर रहे हैं किसी मदरसे पढ़ रहे हैं तो नोट, नोट का मतलब यह कोई किताब है उसका आप शॉर्ट में कोई कोई चीज़ चाह रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं। रिक्वेस्ट बुक में मतलब कि अगर वो बुक जो है आप कलरफुल में चाह रहे हैं, थोड़ा डिज़ाइन के साथ ही वो बना के आपको दी जाएगी। रिक्वेस्ट वीडियो है तो इस वीडियो में आप वो जो किताब है जो आपको समझ में नहीं आ रही, उस किताब का आप नाम लिख करके वीडियो में आप करेंगे तो क्या होगा कि मैं वो किताब पढ़ा करके उसकी वीडियो जो है वो आपको भेज दूंगा। उसके अलावा अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं कि वो जो आप कहीं कहीं भी आप किसी भी मदरसे में पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कोई ख़ास किताब है उसकी आपको लाइव क्लास चाहिए, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करके मुझसे कह सकते हैं कि ये फ़लाँ किताब है और आप मुझको इसका लाइव क्लास दे दीजिए, 1 घंटा या 35 मिनट या 40 मिनट जो भी है दिन में दे दीजिए, तो वो आपको दे जाएगी। उसके अलावा अगर टीचर सपोर्ट है यहाँ पर, इस पर सेलेक्ट करके आप पूरे फॉर्म भर के आप भेज सकते हैं। टीचर सपोर्ट में क्या होगा आपका कि टीचर सपोर्ट में कोई जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है वो आपको टीचर समझा देंगे। तो यहाँ पे अभी तो कुछ ही किताबें हैं, जितनी किताबें, लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं, आप कोई भी किताब चाहे तो आप सिंपली आप इस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट वाले पे क्लिक कर लीजिए, रिक्वेस्ट फॉर्म आपका नीचे खुल जाएगा, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए, किसी मदरसे में आप कोई कोर्स कर रहे हैं वो डाल दीजिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, नोट चाहिए, किताब चाहिए, वीडियो क्लास चाहिए, टीचर का लाइव क्लास चाहिए या टीचर की सिर्फ हेल्प चाहिए वो बता दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए किताब का या चैप्टर का नाम लिख दीजिए, कौन सा सबक आपको पढ़ना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। फिर इंशाल्लाह आपको 10 से 20 मिनट के अंदर आपके पास जो है वो हमारे तरफ से मैसेज पहुँच जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाएगी। यहाँ तो हो गया उसका, ये हमारा लॉगिन का है, ये उन बच्चों के लिए ये पेज है लॉगिन वाला, जो बच्चे अभी हमारे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको जो है एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, उस वो दिया जाएगा, अभी नहीं दिया गया है लेकिन दे दिया जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। उस पर जब वो साइन इन कर लेंगे तो साइन इन करने के बाद उनका अपना एक पेज खुलेगा, जिस पेज के अंदर वो सारे उनके डिटेल्स जो हैं वो लिखे रहेंगे। उस पेज के अंदर मतलब उनके जो पेज रहेगा वहाँ पर उनके डिटेल्स रहेंगे, उनकी सारी अपनी क्लासेस की वीडियो रहेंगी, उनकी किताब नोट्स वगैरह, उनके रिजल्ट सर्टिफिकेट फ़ीस वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें उनकी अपनी प्रोफाइल पर रहेगी जो वो लॉगिन करके उसको विज़िट करेंगे। तो ये लॉगिन वाला हो गया। उसके बाद हमारा एक लास्ट जो है ये है हमारा चैरिटी का, यानी हम अपनी तरफ से कुछ जो है वो मदरसे से जो फीस आती हैं उसके थ्रू भी, और अलावा इसके अलावा भी दूसरे तरीके से भी हम लोगों की मदद करते हैं, फ्री में मेडिसिंस वगैरह देते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट करवाया जाता है या कोई नेचुरल जो प्रॉब्लम होता है बाढ़ वगैरह आता है तो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं, बहुत सारे दूसरी दीनी खिदमत और जो और लोगों के लिए हो रहा है ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगता है, तो इन सब चीज़ों में भी जो हम वो कुछ लोगों को मदद कर लेते हैं। तो उसमें भी अगर कोई हिस्सा लेना चाहता है सवाब की नीयत से और इसके, तो वो यहाँ पर डोनेट नाउ पे क्लिक करके उसके जो पेमेंट्स हैं वो कर सकता है या हमसे डिटेल ले सकता है कि कहाँ पेमेंट करना है। वो जब पेमेंट कर देते हैं तो उनको उनके पैसे कहाँ खर्च हुए वो सारे के सारे डिटेल्स उनको जो है वो मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू बताया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थे जो इस वेबसाइट्स के या इस मदरसे के थे। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस मदरसे के बारे में भी ताकि आपको और ज़्यादा जो है आइडिया मिल जाए इस मदरसे में कैसे काम होता है। ये मदरसा 3 साल के आलमियत का कोर्स चला था, उसके अलावा और भी दूसरे कोर्सेज वो आपने देख लिया, लेकिन मेन फोकस यहाँ 3 साल के आलमियत का कोर्स है जो पढ़ाई जाती है। इसमें बच्चे को पूरी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आमतौर पर मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। और दो तरीके हैं हमारे पास पढ़ने के, एक तो होता है कि हम रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों के व्हाट्सएप पर उनके ईमेल पे हम भेज देते हैं, अपने खाली वक्त में उस वीडियोज़ को देख करके वो पढ़ सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि वो अपना कोई वक्त बता दे उसमें हम लोग लाइव वीडियो कॉल करके उनके हिसाब से, वो अकेला एक स्टूडेंट होता है एक टीचर होते हैं फिर हम लोग आपस में बैठ के पढ़ लेते हैं। ये दो तरीके से उनको पढ़ाई जाती है, उनको अपनी नोट्स किताब सारी चीज़ें उनको मदरसे की तरफ से दे दी जाती है, दो तरीके हैं उसके पढ़ने के।
उसके बाद जो दूसरे बच्चे जो दूसरे मदारिस में पढ़ रहे हैं वो, और उनको कोई किताबें समझ में नहीं आ रही हैं या कोई परेशानी हो रही है, तो आप सिंपली कोई बिल्कुल बेफिक्र हो कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि किताबें मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे ये किताबें आप समझा दीजिए, तो आपको पूरी जो सपोर्ट है वो टीचर की तरफ से मिलेगी और आपको वो किताब जो है समझाई जाएगी, इंशाल्लाह पूरी मदद की जाएगी, सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके जो फ़ीस वगैरह है वो फ़ीस जो है हम लोगों ने आलमियत की कोर्स की जो फ़ीस है वो हम लोगों ने 1000 मंथली रखा है, आपको हर महीने 1000 रुपये मंथली जो है वो पे करने पड़ते हैं आलमियत वालों के लिए। ये हम पहले हम लोगों ने फ़ीस फिक्स नहीं किया था, लेकिन फ़ीस ना देने की वजह से बच्चे काफ़ी जो है वो ढील देने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं सही तरीके से और वो ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं वीडियोस वगैरह, इसलिए मैंने फ़ीस जो है वो बढ़ा दी है, 1000 पर मंथ फ़ीस देने पड़ते हैं आलमियत के कोर्स के लिए। और उसके अलावा दूसरे जो कोर्स हैं उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन वो बच्चों के जो है फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके सामने रख करके उसको फिर उनको उनकी फ़ीस जो है बनाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक जो थे वो हमने एक्सप्लेन किया इस मदरसे के थ्रू या हमारे थ्रू इस चैनल के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। आपसे जो गुजारिश हो जी जितना फ़ायदा उठाना है आप उठाइए इस चीज़ से, यूट्यूब पर जितनी वीडियोस हैं उससे फ़ायदा ले लेंगे, यूट्यूब पर सारी कोर्सेज़ की वीडियोस नहीं है, उसके अलावा और भी वीडियोस हैं जो हमने यूट्यूब पर और सबके लिए नहीं रखा है, इसलिए कि फिर वो गलत हो जाएगा, आप एक बच्चे से फ़ीस ले रहे हैं उसको वही पढ़ा रहे हैं, जिनसे नहीं ले रहे हैं उनको वही पढ़ा रहे हैं, तो वो फिर वो खयानत हो जाएगा। तो हम लोगों ने फ़ीस वाले बच्चों के लिए एक अलग फैसिलिटी बना रखी है और नन फ़ीस वालों के लिए यूट्यूब की एक अलग फैसिलिटीज़ है। तो आप अगर उन बच्चों में आना चाहते हैं जो एडमिशन लेके बाकायदा एक पूरे रूल और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुबारकबाद हो, आप आइए एडमिशन लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर लीजिए। अब जो बातें हैं वो मैं आपसे ये अर्ज़ करना है कि इसको खूब शेयर करिए अपने लोकेलिटी में, हर तरह के आलिम के कोर्स के लिए, हिफ्ज़ के कोर्स के लिए, दिनियात के कोर्स के लिए, अरबी लैंग्वेज तफसीर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर्स है, वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट वगैरह, ये सारा इन सब कोर्सेस हमारे थ्रू चल रहे हैं, इन सब के आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी फैलाइए, इस मदरसे को भी फैलाइए और इससे जितना ज़्यादा हो आप फ़ायदा उठाइए और इसके लिए दुआ करिए। उसके अलावा जो भी सपोर्ट आप कर सकते हैं इसको शेयर करके, इसमें एडमिशन लेकर के, इसको उस तरीके से आप इसको सपोर्ट भी करते रहिए। और जो मैंने बताया कि खिदमत खल्क के भी कुछ काम होते हैं चैरिटी के थ्रू, फ्री में मेडिसिन बांटना, उनके इलाज में खर्च देना या कोई नया ईमान लाए तो उनकी मदद करना, इस तरह की चीज़ें, उसमें भी अगर आपको हिस्सा लेना हो तो आप ले सकते हैं। आपके एक एक पैसे की जो है पूरी रिपोर्ट आपको फिर हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है कि आपके कितने पैसे कहाँ पर खर्च किए गए हैं। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ यही बताना था, इंशाल्लाह फिर कल से रेगुलर क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से सुने समझे और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।